हर मजहब में अरकान होते हैं, जैसे हिंदुइज्म के अंदर अरकान है, पूजा करनी है आपको, तीर्थ करना है, इस्लाम के अंदर होते हैं हज करना है, नमाज करना है, तो मेरे लिए एक मजहब मोहब्बत भी है। तो अभी बाकी हैं मोहब्बत के अरकान बहुत सारे, अभी बाकी हैं मोहब्बत के अरकान बहुत सारे, वो पायल वो बिंदिया सामान बहुत सारे। बहुत शुक्रिया जनाब। अभी बाकी हैं मोहब्बत के अरकान बहुत सारे, वो पायल वो बिंदिया सामान बहुत सारे, ये तो निकाह है उसका, रुख्सत अभी बाकी है। ये तो निकाह है उसका, रुख्सत अभी बाकी है, इन अश्कों को रोको जनाब, अभी इम्तहान है बहुत सारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। एक गज़ल आपकी समातों को नज़र कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझाऊँगा, थोड़ा सा ख़ुद भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि आओ इस दरिया में रवानी को निकलते हैं, आओ इस दरिया में रवानी को निकलते हैं, इश्क की बुजुर्गी से अब जवानी को निकलते हैं। आओ इस दरिया से जवानी को निकलते हैं, इश्क की बुजुर्गी से अब जवानी को निकलते हैं। हम सब जो हैं वो नस्ल आदम है, जो कि कहा जाता है कि आदम की औलाद में से, और रिंद जो होते हैं जिन्हें जिन्नात कहा जाता है, मतलब कि जो हमारी जैसी शय नहीं होती। तो आदम की सुन सुनकर घर में दुबके बैठे हैं, आदम की सुन सुनकर घर में दुबके बैठे हैं, किसी रिंद की मानिंद मनमानी में निकलते हैं, किसी रिंद की मानिंद मनमानी में निकलते हैं। और अक्ल वाले कब निकलते हैं हुनर आजमाने को, अक्ल वाले कब निकलते हैं हुनर आजमाने को, जितने भी निकलते हैं सब यगानी में निकलते हैं। और इस शेर पे थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, कफस कहा जाता है जेल को, कि मेरे कमरे से निकलकर इतने खामोश क्यों हो। ये शेर मेरा मुर्शिद जॉन एलिया को नज़र है, कि मेरे कमरे से निकलकर इतने खामोश क्यों हो, कफस से जो निकलते हैं वो हैरानी में निकलते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर ये है कि गालिब ही थे जो मैखाने से खुश निकलते थे, गालिब ही थे जो मैखाने से खुश निकलते थे, हम तो जो निकलते हैं परेशानी में निकलते हैं। हम तो जो निकलते हैं परेशानी में निकलते हैं, हमारे जैसा कोई होता तो कयाम ज़रूर करते, हमारे जैसा कोई होता तो कयाम ज़रूर करते, यक्सा कब निकलते हैं कहानी में निकलते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब।